जय राम जी की दादा। जय राम। मेरा नाम भगवान सिंह पंवार है और मैं एक्सिस डेवलपमेंट सर्विस से। आपका परिचय देंगे आप? मेरा नाम गोकुल है। अच्छा, मैं करेड़ी का रहने वाला हूँ। करेड़ी के रहने वाले हो? हाँ। और ये जो आपने ये लगाया गेहूँ खेत में, ये कौन सा गेहूँ लगाया? एक गेहूँ है काला सालू का बोले इसको। अच्छा, काले जो बाली रहती है उसका गेहूँ बोलते हैं। हाँ। और तलेन तरफ से लाया इसको। अच्छा, तलेन तरफ ये बोया जाता है। हाँ। उधर से आप इधर लेकर आए? उधर से आप तो इधर लेकर आए। इसमें क्या है, मतलब ये कैसा क्या पानी की जरूरत पड़ती है इसमें? पानी की जरूरत इसमें मतलब तीन पानी से सही निकाल दो आप, एक पानी आखिरी में चाय। मतलब इसमें चार पानी की आवश्यकता? चार पानी की आवश्यकता है। चार पानी में अच्छी तरह से पक जाता है? बहुत बढ़िया। अच्छा भैया, इसमें कोई ऐसी विशेष या कोई अलग सामग्री लगती है जो जिससे बोने में अपने? इसमें अलग सामग्री बिल्कुल भी नहीं लगती है। अच्छा। इसमें आएगा अपन ट्रैक्टर से निकाला हाँ, हाँ। जिसके बाद में कड़ी फिर नाई से बेल से ओढ़ता। अच्छा, नाई बेल की जरूरत पड़ती है? हाँ। अच्छा, और वोर करे इसमें पानी निकालता। अच्छा, मतलब इसमें कोई अलग से विशेष सामग्री नहीं लगती है? कुछ भी नहीं लगे, वही सामग्री जो अपन सामान्य गेहूँ में बोते हैं वही लगती है, वही इसमें लगती है। भैया, इस गेहूँ की मतलब खेत की तैयारी और इसको बोने की विधि क्या है? इसकी बोने की तैयारी यह है कि बारिश में अपन गर्मी में इसको बकर निकाल दें। बकर निकाल के सोयाबीन बांटता है। सोयाबीन ओर कर बाकर उसको काट के और खेत की जुताई कर। अच्छा, सोयाबीन काटने के बाद खेत की जुताई कर? हाँ, जुताई करते हैं। और जिसके बाद में इसको रेलता है और रेल के फिर बकर फेर और फिर गेहूँ को ओढ़ता है। अच्छा, फिर उसमें बराबर करके खेत को पानी देके और उसके बाद गेहूँ आप बोते हैं इसमें? गेहूँ बोता है और फिर ढाले बांध पानी निकाल दे। अच्छा, पानी निकाल देते हैं। तो इसमें आप यूरिया वूरिया भी देते होंगे ना? खाद यूरिया दे मतलब इस आपके ढक जाओ टाइम। अच्छा, खेत जब नहीं दिखे, मिट्टी नहीं दिखे, इतना मिट्टी बड़ा हो जाए तब इसमें आप यूरिया देते हैं? मिट्टी नहीं दिखे उस टाइम पे। अच्छा, तो कितना यूरिया देते हैं आप इसमें? इसमें मतलब एक बीघा पे एक बोरी। अच्छा, एक बीघा 50 किलो यूरिया देते हैं? 50 किलो। इसमें आप यूरिया कैसे मतलब कब देते हैं इसमें? इसमें यूरिया देता है कि पहले पानी निकाल दो। हाँ। पानी निकाल भरने के बाद में फिर यूरिया दे दो। फिर एक आध दिन बाद फिर पानी निकाल दो। अच्छा, फिर बाद में फिर निकाल सकते हैं? पहले पानी देना चाहिए? पहले पानी देना चाहिए जब वो गल चुके हो। अच्छा, वहीं जहाँ जहाँ डलेगा वहीं पे गल जाएगा वहीं पे। और अगर अपन पहले यूरिया दे देंगे फिर अगर पानी निकाल देंगे? पानी निकाल दो तो वो सब बेके एक मिनट चल जाता। अच्छा, है फिर वो बेकर के नीचे चला जाता है, दूसरे खेत में चला जाता है, फिर हाँ, मेर पे चला जाता है? मेर पे चला जाता है। अच्छा, तो उससे अपने खेत को फायदा नहीं होता है? उसको फायदा नहीं होता है, वो गाँव में तो एक मिनट चले जाए फिर गाँव में फायदा कहीं का हो। अच्छा अच्छा, तो इस प्रकार यूरिया देना चाहिए इसमें? हाँ। भैया, इसमें मतलब आपका जो खेती में एक बीघा में इसका बीज कितना लगता है? एक बीघा में बीज कम से कम 20 किलो। एक बीघा में 20 किलो? 20 किलो उसमें ये हो जाता है पूरा? उसमें पूरा हो जाता है, क्योंकि ये कुचड़ा करता है। अच्छा, इसमें मतलब ये फैलाव करता है? फैलाव करता है नीचे, दाना ही बहुत मतलब ज्यादा ज्यादा होता है। अच्छा, हाँ। तो इसमें आप खरपतवार के लिए क्या करते हैं इसको? निंदाई करते होंगे? निंदाई करा नहीं, मैं सोयाबीन उगाओ मैं एड़ो अंदर सब उगे तो उसको निंदाई करना पड़ता है। मतलब पहले खेत में जैसे सोयाबीन बोते हैं फिर उसके बाद जैसे बोते हैं तो कहीं का जो दाना गिरता है सोयाबीन का वो भी उगती है? वे उगता है और भी खरपतवार उगता है इसमें? खरपतवार भी उगता है तो उन्हें उसकी निंदाई करनी पड़ती है। निंदाई करके गुड़ाई करते हैं आप? निंदाई करके फिर खाद डालना? अच्छा, फिर खाद डालते हैं निंदाई गुड़ाई के बाद? अच्छा, से अपने को क्या लाभ है इस बीज को बोने से? क्या लाभ है बीज को बोने? फायदा एक तो बीज कम डले। अच्छा, एक तो बीज दर कम रहती है? हाँ, अपना कम और बैठक में ज्यादा बैठता है, इसका उत्पादन भी ज्यादा रहता है? ज्यादा रहता है। कितना निकलाता है मतलब जैसे आपने एक बीघा में 20 किलो बोया? एक बीघा में 20 किलो बोया तो एक बीघा का मान लो अपन के 10 क्विंटल गेहूं तो निकले। मतलब एक बीघा का 10 क्विंटल निकल आता आराम से? हाँ। चार पानी में और तीन में भी हो जाता है? मतलब तीन में भी हो जाए पूर्ति मतलब? अच्छा, तो ये मतलब इसमें फायदा है, तो अपना बीज कम डलता है और इसमें उत्पादन अच्छा होता है? उत्पादन अच्छा हो। इसका और क्या फायदा है? इसका ये फायदा है कि मतलब इसका भूस निकलता है नहीं। हाँ, जो उसको ढोर अच्छा खाता है, ढोर अच्छा खाता है। अच्छा, जो अपना सामान्य गेहूँ रहता है उससे इसका बगदा ज्यादा खाता है? बगदा ज्यादा खाता है। अच्छा, ये स्वादिष्ट रहता है? मतलब स्वादिष्ट। और ये इसका गेहूँ में भी स्वाद रहता है? गेहूँ में भी स्वाद, गेहूँ में बहुत जोरदार स्वाद रहता है। अच्छा, ये अच्छा रहता है खाने में, बाटी बनाने में बढ़ता है? अच्छा भैया, इसमें अपने सावधानी क्या रखनी पड़ती है, क्या ध्यान रखना पड़ता है? सावधानी यही है कि मतलब इसमें टाइम से निंदाई खुदाई करनी चाहिए, निंदाई गुड़ाई इसकी टाइम पे करनी चाहिए और टाइम से उसको खाद देना चाहिए और टाइम से 15 दिन पानी फिर निकालना चाहिए। अच्छा, मतलब पहला पानी कब निकालते हैं इसमें? पहले पानी निकालता है इसमें रेल को ओढ़ता है, जिसके बाद में अपन जो बोरते हैं उसके पहले। हाँ। और दूसरा पानी अपन एक महीने पर निकाल दो इसमें। अच्छा, महीने के बाद फिर 15 दिन निकाल दो। अच्छा, अब 15 दिन के बाद फिर एक महीने निकाल कर पानी दे दो बस। अच्छा, इसमें चार पानी देना पड़ता है? चार पानी देना पड़ता है। अच्छा,
और इसमें कटाई वटाई में भी कुछ ध्यान रखना पड़ता है? कटाई में थोड़ा जल्दी निकाल काटना पड़ता है, अंदर के बीच में है टूट जाता है। अच्छा, ये टूटता ज्यादा है। हाँ, इसको टाइम पे काटना चाहिए अपने, टाइम से काटना चाहिए। अच्छा भैया, इसके बारे में, इस क्वालिटी के बारे में आप जो और अपने अन्य किसान भाई है उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा कहने का मतलब न्यू है कि ये गाँव है नहीं काला सलू का, ये बहाने से फायदा है अपने, और ये गाँव बहाने से मतलब एक तो पानी भी कम निकालना पड़ता है और मांस ज्यादा बैठक भी अच्छी, ढोर भी पकता अच्छा खाता है इसको। तो मेरा कहने का मतलब कि ये गाँव लगाओ सब किसान भाई, इससे यही फायदा है। कि किसान भाई से सबसे मेरा निवेदन है कि ये गाँव लगाओ, इससे बहुत फायदा है। दादा, आपने हमें और हमारे किसान भाइयों को इस गेहूं के बारे में जो जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। जय राम जी।